देवास जिले के उपवन मंडल बागली वन विभाग की लापरवाही के चलते कक्ष क्रमांक 573 में लकड़ी तस्करों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जहां मुख्य मार्ग पर मात्र रोड से 50 कदम की दूरी पर लकड़ी तस्करों ने 23 सागवान के हरे भरे पेड़ काट गिराए। बताया जा रहा है कि बीती रात वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा पूंजापुरा में सागवान तस्कर पेड़ काटकर ले गए। वन विभाग के कर्मचारियों को जानकारी लगी तो विभाग में हड़कंप मच गया। लकड़ी तस्करों द्वारा 18 सागवान के पेड़ों की लकड़ी किसी बड़े वाहन में भरकर वहां से ले जा चुके थे और 5 झाड़ों की लकड़ियां कटी हुई बच गई थी। जैसे ही मामले की जानकारी आला अधिकारियों को लगी तो रेंजर सहित पूरा स्टाफ मामले को दबाने में लग गए एवं अधिकारियों द्वारा जमीन किनारे से कटवा कर नंबर डाल दिए एवं बची लकड़ियों के अवशेषों को रोड से थोड़ा अंदर जंगल में फेंक दिया गया। उपवन मंडल बागली के जंगलों में स्थानीय जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत से जंगल तेजी से कट रहा है, लेकिन अपने निजी स्वार्थ को साधने में लगे कर्मचारी इस ओर अंकुश लगाने में विफल साबित हो रहे हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। रात को जैसा है, हम रेस्टोरेंट में उपवन मंडल अधिकारी महोदय की मीटिंग में थे, उसके बाद में हम रात में भी गश्ती करते हुए निकले, उसके बाद हमें सवेरे पता लगा ये लकड़ियाँ कटी। तो कितने पेड़ कटे हैं? 10 कटे हैं। दिख तो ज़्यादा रहा है, करीब 23 से 25 पेड़ों की गिनती आ रही है। नहीं नहीं, 10 के। तो किस तरह की कार्रवाई होगी इन पेड़ कटाइयों में? इनकी कार्रवाई, हम लकड़ियाँ जो कास्ट ले जाएंगे यहाँ से, उनकी पीवार जारी होगी, उसके बाद में परिवहन करेंगे संकेश्वर डिपो। तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट विभाग की मिली भगत से इतने पेड़ कट सकते हैं, ऐसा तो संभव है ही नहीं। अब सर ये तो नहीं मालूम, हाँ जांच का मुद्दा है। क्या नाम है आपका? पूनम चंदी नाम है। ये हुई जंगल में, ये रास्ते पे जंगल है और मतलब कोई रात में किसी ने अचानक घात लगा के झाड़ काटे हैं, उसकी हम जांच कर रहे हैं, पता लगा लेंगे हम लोग। सर कितने झाड़ काटे गए? लगभग 23 झाड़ कटे हैं, उसमें से 18 झाड़ की लकड़ी ले गए, बाकी ऐसी कैसी पड़ी हुई थी मौके पर। सर किस तरह की कार्रवाई होगी दोषियों पर? उनको पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी, गाड़ी के सुराग में लगा तो गाड़ी पकड़ेंगे। सर कहीं ना कहीं जंगल से लकड़ी बाहर ले जाना फॉरेस्ट विभाग की मिली भगत लग सकती है? नहीं, मिली भगत नहीं होती है जी, ये खुला खजाना है। लोगों के घरों से ताले टूट के चोरियाँ हो जाती हैं, ये तो रोड पर है और हमारा 22 किलोमीटर में एक स्टाफ रहता है, तो जब आपके घरों से ताला तोड़ के चोरी ले जाते हैं तो मिली भगत थोड़ी रहती किसी की। हम लोग यहाँ इसकी कर रहे हैं और उसकी जांच करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।